हाय गाइस, वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोफोन साउंड क्वालिटी ग्रेनेरो जे 11 माइक्रोफोन का। सो ये बेसिकली वायरलेस माइक्रोफोन है जो आप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसको टेस्ट करते हैं, बाहर लेके जाते हैं, अलग अलग सिनेरियोज में यूज करके देखते हैं कि इसके माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी कैसे होने वाली है। उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। तो ये पहला टेस्ट है स्टूडियो के अंदर। तो मैं अभी फिलहाल अपने स्टूडियो के अंदर हूँ, अपने रूम के अंदर हूँ, खिड़कियां बंद है, फैन ऑफ है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा ऐसे सिनारियों में। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप एक रूम में होंगे पर फैन ऑन है। तो अभी फिलहाल मैंने फैन फुल पे रखा हुआ है तो बहुत हवा आ रही है। खिड़की मैंने खुली रखी हुई है तो बाहर का थोड़ा बहुत आवाज आ रहा होगा, ज्यादा नहीं है। तो ये आपको दिखाने के लिए है कि अगर आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या आप फैन ऑन करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जनरली आप माइक जब यूज करते हैं आपको फैन ऑफ करना पड़ जाता है क्योंकि फैन की आवाज बहुत आता है माइक के अंदर। तो होपफुली मेरी आवाज क्लियर है और फैन वगैरह की आवाज ज्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। ओके, तो अभी हम बाइक टेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आप बाइक पे वीलॉगिंग करते हैं तो ये माइक आपके कितने काम आने वाला है वो चेक कर रहे हैं। तो जनरली आप टी शर्ट वगैरह पे क्लिप ऑन करते हैं तो मैं इसको टी शर्ट पे लगा रहा हूँ। तो इस सिनेरियो में जैकेट पहना है पर मैंने जैकेट खोल के रखा है तो हवा इसको लगे। तो दो सिनेरियो होंगे, जैकेट खोल के और जैकेट बंद करके। बंद करने के बाद माइक अंदर होगा तो हवा ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, बट मेरी आवाज़ कितनी आएगी वो हम चेक करेंगे। तो वीलॉगिंग के समय आप मास्क पहनने वाले हैं, हेलमेट पूरा प्रोटेक्शन पहनने वाले हैं और उसके बाद करने वाले हैं। तो तीसरा सिनेरियो एक और होगा जहां मैं इस माइक को हेलमेट के ही अंदर डाल दूंगा तो फिर उसकी आवाज़ कैसी होगी वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए पहले दो सिनेरियो देखते हैं। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो जब आप वीलॉगिंग कर रहे होंगे तो आप टॉप स्पीड पे नहीं चला रहे होंगे, आप और उसके बाद जिप अप करते हैं। जिप कहाँ गया? जिप अप कर लिया। रोड पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग उनके तरफ से भी आते हैं। तो अभी हम भाई के अंदर लग के ये है जो आपको आवाज सुना देगी। और ऑब्वियसली माइक अंदर है, जैकेट के अंदर है, सारी आवाजें ब्लॉक है। उसको थोड़ा बहुत जो मिल रहा है वो पास से कितना खींचेगा हमको नहीं पता, पर बैकग्राउंड का साउंड तो बहुत खींच रहा होगा। खूब थोड़ी ज्यादा बैकग्राउंड का साउंड बने। तो ये जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बाइक चला रहे होंगे, हेलमेट पहन के और हेलमेट के अंदर आप माइक डाल रहे हैं। तो अभी फिलहाल खुला है हेलमेट, मैं बंद कर देता हूँ। और बंद करने के बाद एक इको क्रिएट होगा। तो क्योंकि ये माइक बहुत ही सेंसिटिव है, मेरे हिसाब से इको थोड़ा सा ओवर पावरिंग होगा। इसके लिए थोड़ा सा मेरी आवाज थोड़ी सी तो उसमें फट के आ सकती है। होपफुली आवाज इतनी खराब नहीं है। अभी आवाज सुनने के बाद फिर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपना वॉल्यूम। अभी फिलहाल मैं नॉर्मल वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा धीरे बात करके देखते हैं। तो धीरे बात करने तो इस तरीके से होगा और अगर जोर से बात करेंगे तो इस तरीके से आवाज होगी। अब आपको पता लगेगा हेलमेट के अंदर डालने पर कैसा आवाज आने वाला है। अब ये मेरा LS2 वेरियंट हेलमेट है जिसके अंदर इंटरकॉम लगाने के लिए जगह है।
तो जहां पे इसका स्पीकर लगता है मैंने वहां पे स्ट्रैप के पास इसको स्ट्रैप लगा दिया, तो इस वजह से मुझे इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आपके पास कोई दूसरा वाइनर जिसमें अंदर को जगह नहीं है तो आपको कोई ना कोई स्ट्रैप पे मतलब कहीं ना कहीं और आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में जो थोड़ा नीचे चले जाएगा तो हवा लगने का चांसेस बहुत है, और हवा लगने से इसमें बहुत आवाज आने वाली है, तो हवा की आवाज आने वाली है, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा किस तरीके से आप इसको एडजस्ट करके यूज कर सकते हो जहाँ पे ज्यादा हवा ना आए और आपका जो माइक है आपके मुंह के पास रहे ताकि आपकी आवाज ज्यादा क्लियरली पक रहे। तो चलिए मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। तो ये है जो साउंड आपको मिलेगा जब आप बहुत सारे पानी के आसपास हैं। यहाँ 70 वाटर फाउंटेन्स हैं, बहुत पानी का आवाज है। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है, बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। तो ये जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बहुत सारे ट्रैफिक के बीच में होंगे, तो यहाँ मैं सीजन मॉल और एमिनोरा मॉल के बीच में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियों की आवाज है। एक गाड़ी एक्चुअली खराब हुई पड़ी है वहाँ पे, जिसके वजह से बहुत सारा ट्रैफिक आवाज है, बहुत सारी गाड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे मेरे आसपास। होपफुली आपको ज्यादा बैकग्राउंड का साउंड नहीं आ रहा और मेरी आवाज क्लियर है। तो ये है जो आपको साउंड मिलेगा जब आप बहुत सारे लोगों के आसपास होंगे। तो अभी फिलहाल अक्षय कुमार आ रहे हैं सीजन फॉल में, तो उस वजह से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारा भीड़ है। तो होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो इसको यूज़ करते समय मेरे को एक चीज़ जो कांस्टेंट लगा वो है कि इसकी आवाज़ जो है बहुत शार्प है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ तो चाहे मैं अपनी आवाज़ कम करूँ या फिर ज़्यादा ज़ोर से बोलूँ या फिर थोड़ा भारी आवाज़ में बोलूँ या फिर नॉर्मल आवाज़ में, किसी भी तरीके से मैं बोलने की कोशिश करूँ, मेरी आवाज़ शार्प ही रहेगी। वो मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे एक चीज़ इसमें अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वीडियो देख चुके हैं, आप खुद आवाज़ सुन चुके हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए ये अच्छा है कि नहीं। अब एक चीज़ जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ वह है कि इसमें जो आपको ईज़ ऑफ यूज़ मिल रहा है, जो यूज़ करने में जो आसानी मिलती है इसके अंदर, वो आपको नॉर्मल वायर्ड माइक में नहीं मिलता। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं अपना वायर्ड माइक यूज़ नहीं करता, बहुत सारा झंझट होता है उसको यूज़ करने में, और उसके बाद फिर कनेक्टर्स का प्रॉब्लम। यहाँ आपको कोई कनेक्टर का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है। आप डायरेक्टली इसको अपने Type-C USB में कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका नॉर्मल विंडोज़ हो या फिर आईफोन हो, सॉरी आईपैड हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन हो या कुछ भी हो, Type-C होना चाहिए, बस आप उसमें कनेक्ट करें और ये माइक की तरह काम करता है डायरेक्टली। अब अगर आप इसको आईफोन में यूज़ करना चाहते हैं तो आईफोन के लिए एक अडैप्टर आता है, वो अडैप्टर लगा के आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम आने वाला है वो सिर्फ ये है कि इसको डालने के बाद आप फ़ोन पकड़ नहीं पाएंगे ढंग से, क्योंकि ये माइक यहाँ पे इतना बड़ा सा इसका जो रिसीवर है टंगा होगा, तो आपको फ़ोन ऐसे ऐसे करके यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास ये होल्डर है जिसके वजह से मैं इसको यूज़ कर पाया, बट आपको वो एक प्रॉब्लम होने वाला है। अब ये आता है 1700 रुपये में, 1700 रुपये में ये वैल्यू फॉर मनी है। आप इसको यूज़ करते समय आप इसको बस ऐसे कोने में रख सकते हैं और आप चल के दूर कहीं जा सकते हैं और आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसका रेंज जो है वो 20 मीटर है, नॉर्मल ब्लूटूथ का रेंज 10 मीटर होता है, ये 20 मीटर दूर तक काम करता है, जो बहुत ही अच्छा है। अब मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ माइक है, कहाँ बैठूँ, कहाँ फ़ोन रखूँ, कहाँ क्या करूँ। मैं एक कोने में फ़ोन रख सकता हूँ और आराम से दूर जाके बात कर सकता हूँ, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ऑल इन ऑल 1700 रुपये में वैल्यू फॉर मनी है। अब इसको यूज़ करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक जैसे ईयरफोन, वायरलेस ईयरफोन्स के लिए, जैसे ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स के लिए जैसे डब्बा आता है, वैसे डब्बा आता है, उस डब्बे के अंदर आप उसको डाल सकते हैं, वहीं पे चार्ज भी होता है। तो वो सब मैं आपको अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या लिमिटेशंस है, वो सब चीज़ें मैं उसमें दिखाऊंगा।
तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। और अगर आपको सेम वीडियो दूसरे लैंग्वेज में सुनना हो, अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लग रही हो और आपको दूसरे लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या मलयालम में सुनना हो, तो मेरे पास दो और चैनल है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।